ना किया तेरा? माही, बेबी जी ने कहा था यहाँ की सफाई कर दूं, तो मैं इसलिए यहाँ पे। जरूरत तो नहीं किसी चीज की? नहीं नहीं साहब जी। कैसे हो सकता है कि किसी को कोई जरूरत ना हो? हर किसी को कोई ना कोई जरूरत जरूर होती है। अल्लाह, पैसे रख ले। साहब जी, मैं इनका क्या करूंगी? और रख ले, मैं कह रहा हूं ना, रख ले। चल साहब जी, बीबी जी ने देख लिया तो जान से मार देंगी। इस कार का मालक मैं हूं, यहां सिर्फ मेरी चलती है। बीबी जी कुछ नहीं कह सकती। चल। चाचा जी, याद है कि अब्बा जी ने आपका नाम अमानत क्यों रखा? किया हुआ वादा भी अमानत होती है, और सोने रब ने अमानत में खयानत पे बड़ी सख्त आयत उतारी है। नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। तो क्या तेरा मतबल के तेरा ये चाचा मलक अमानत शाह अमानदार नहीं है? दिमाग पे जोर डालो। जब हमारी हवेली हिमायत के लिए आए थे तो वादा क्या किया था आपने? बख्तावर, और मुझे सब याद है पुत्र जी, इसलिए तो तेरा चाचा जो है ना बगैर इतला दे तेरी हवेली आ गया है। ये बात भी बुरी लगी। पैगाम पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा, पर मुश्ताक के जरिए पहुंचा है, जो नहीं पहुंचना चाहिए था। गुस्सा थोक दे यार, कोई बात नहीं, एक बार अपने चाचे का मान बढ़ा दे, हैं? क्या फर्क पड़ता है? अपने बुजुर्गों की रवायत को कहम रख। आज तक तुम्हारी वेली से ना, चाहे कोई सज्जन हो चाहे कोई दुश्मन हो, आज तक कोई खाली नहीं गया, हैं? पता है ना चाचा जी? और मेरा शेर पुत्र आया है। ऐसे परेशानी है कि इस वक्त आप मेरी हवेली पे नहीं है। पहली बारी चाचा जी किसी ने मेरे बंदों पे पर्चा कटवाया है। नहीं, वो छोटा भरा है तुम्हारा यार मुश्ताक, अभी नया नया सियासत में है, समझ आएगा। 100 करोड़ का प्रेशर उसके सर पे था। मैं तो उसको कह दिया, मैं कहा सोना मुश्ताक, अगला 100 करोड़ जो भी है छोड़ देना, हमने तो बस बख्तावर के डेरे के साथ खड़े होना है। बगैर तो चाचा जी आए हैं, खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करना किसी ने? ओ नहीं नहीं, क्या करते हो, खाने पीने की मैं खा के आया हूँ। नहीं नहीं चाचा, अभी से सीख रहा हूँ। मैंने क्या सुना, तू खुद समझ रहा है, अल्लाह तुम्हें इज्जत दी है। बाय इलेक्शन करवाऊंगा, क्योंकि इलेक्शन में अब बख्तावर शाह खुद खड़ा होगा। लगता है शिकार ही होगा आज। आज मैं फजूल बातों के लिए नहीं आया, आज मैं माही को यहां से लेकर ही जाऊंगा। तेरी इतनी जरूरत कहां से आ गई कि मेरे घर से मेरी कोई चीज ले जाए तू? आज जो मैं करने आया हूं करके ही जाऊंगा। ना कर, चल ठीक है, ले जा। चलो यहां से। कहा था दलीज नहीं पार कर पाए। ये आपने ठीक नहीं किया शाह जी। बख्तावर शाह जो भी करता है वो ठीक ही होता है, तुझे नहीं लगा ठीक? चले काम कर, ये ले चला।
नहीं? ठीक है, मेरे कार में आया तू, मेरी बेचारी मासूम सी नौकरानी को मार दिया तूने, इल्जाम तेरे सर आए। की हो गया मुश्ताक? चल लेके जा इसे। ओ लेके जाना अब जा। ओ लेके जा इसे। संभाल के रखिए। फेंक क्या उसे? और रुक जा रुक जा। हर किसी को तुम्हें सिखा भी नहीं सकता बनना। और रुक गया दिलेर होने के साथ साथ बादअब भी है तू। बादअब लोग बख्तावर शाह को बड़े पसंद हैं। बेअदब को तो मैं खुद ही मिट्टी में गाड़ देता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप को ना वुमन पावरमेंट में होना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट। हाँ वही। वुमन एम्पावरमेंट के लिए हमारे रब ने हमारा काम मुकम्मल कर दिया शाह जी। हम औरतें ना रब का लिखा हुआ कलाम पढ़ लेना तो पावर में आ जाती हैं। आप बताएं आप मर्दों को पावर से क्या मिला? और क्या बात कर रही है तू? रुतबा देखा मेरा, मुकाम देख मेरा। ओ जगीरें, ओए पूरे इलाके में ना किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरी ताकत के सामने अपना सिर भी उठा सके। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। कैसा खटोड़ा? शाह जी अभी अभी उसको ऑपरेशन के लिए ले गए, आप बस थोड़ा सब्र रखे। दुआ कर मुश्ताक, दुआ कर के मेरा खटोड़ा ठीक हो जाए बस, वरना पूरे इस्लामाबाद को आग लगा देनी। साहब बताना किधर है? आगे से आईसीयू में। हूँ आईसीयू किधर है? ये है ना? शर अभी हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं। क्या बातें कर रहा है? कल है मेरा कटोरा, अंदर जाने दे मुझे। थोड़ा सब्र कर लीजिए। वो सब्र ही करता आया हूँ सारे रास्ते। हौसला रखे मलिक साहब, आरे पे लेटा के टांगे काट दूंगा कमीने की। वह मुश्ताक ना है, कैसे सोच लिया तुम्हें कि इतनी आसान मौत दे देनी है मलक बख्तावर आए से? राम कर तू रात से जाग रहा है। रात से आप भी नहीं सोए मलिक साहब, लंबा सफर आप काट के आए हैं। वो नींद नहीं आ रही है यार, आवाजें गूंज रही है मेरे कान। सुन 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 क्या कह रहा है मेरा खडोड़ा। आई आवाज तुझे? क्या कह रहे? तुझे आवाज ही नहीं है, कैसा भाई है तू? आज ही भरोसा किया है तुझ पे। वो सुन क्या कह रहा है मेरा सजावल। कर मर जाना पर किसी पे एतबार ना करना। न कहीं ना एतबार, पर ये किसी तेरे लिए नहीं है। तो वही है मेरा,
जा तू। बड़ा अच्छा किया जो एम्बुलेंस को कॉल कर दी, देर हो जाती तो जान भी जा सकती मेरे खिलौने की। ये तो मेरा फर्ज था सरकार, अल्लाह ताला छोटे सरकार की उम्र दराज करे। कमरा तो बड़ा जबरदस्त सजाया था, किसने सजाया था सरकार? वो दो थे, एक मैं सुन चुका हूं, दरमियान वाली कहानी सुना। दरमियान नहीं, कुछ देर बीबी जी के चीखों की आवाज आ रही। अच्छा, बीबी जी चीख चीख के क्या कह रही थी? वो कह रही थी, जमील भाई मुझे बचाओ, जमील भाई मुझे बचाओ। तो बचा लिया तूने, हैं? बचा लिया तूने, बड़ी हिम्मत है तेरी। मांझे लेके जा, अरे ना कर मांझे, इज्जत से ले गई। सरकार चलो स्वयं हो गए हो तो वो सुन तुम भी बात कर सकते हैं। चलो 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 ग्राम कुत्ते क्या तो अच्छा किया जो होश में आ गया। अब देख कैसे उस परिंदे को सीख पे चढ़ाता हूं मैं। आदर करो भाई, लेकिन तुझे अपने भाई वहां देखा क्यों कह रहे हैं? खुद मारूंगा रौनक को, चोट कोने से मेरा खिलौना बड़ा पहले बड़ा हो जाता ना, तो ये देनी नहीं देखना कोई। बंद करो भाई, मेरे उठने तक रौनक को कुछ नहीं कहोगे। ना ना के डाने ना, ये वादा नहीं करना। और रौनक के मल्ले में ऐसी रौनक लगानी है कि कयामत तक उसके मल्लेदार रौनक लगाने से डरे। और तेरे उठने के इंतजार में मैं उसकी सांसें नहीं बढ़ा सकता। hey, ना ना कर। देख जब कोई नेक काम पे जा रहा होता है ना तो पीछे से आवाज नहीं देते। ना मांझे मैनू गल दस, ये इतनी देर से तेरी लैब लोकेशन एक ही जगह पे क्यों है? सरकार एक गाड़ी निकली थी, तसल्ली से चेक कर लिया है, उसमें नहीं थे वो। गल सुना मेरी, थाने के इधर उधर जाके चेक करो, को पीछे से गली तो नहीं निकलती। रफीक को भेजा मैंने अंदर, रफीक आ रहा जनाब। हवालात हवालात खाली है, वो यहाँ से जा चुके। क्या मतलब जा चुके? ओ बेड़ा का रख तेरा, मांझे गड्डी पीछे लाओ, दे पहुंच रहे मैं। ओए गाड़ी निकालो। जाए अंदर, जो जो है काट के ले आओ सारे। अनु घर में कैसे घुसा है? तुमने घर में कैसे घुसा है? अभी बताता हूं तुझे, मुंह बंद कर इसका। चलते नहीं हो मुझे, चाहते क्या हो? तुम जानते नहीं हो मुझे। चुप, जानते नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं? तमीज करो, बुजुर्ग आदमी है। What is this behavior? I'm sorry बुजुर्गो, I'm sorry। कुर्सी लगा, चलो बैठो बुजुर्गो, बैठो।
और मेरी भी कुर्सी ला दे अगे कर। सबसे पहले तो सॉरी फॉर द बिहेवियर, ऐसी बदतमीज से लोग हैं ये। लो जी बुजुर्गो, आपको देख के लगता है कि आप अपना रिटायर्ड जनरल। नहीं नहीं नहीं। अच्छा फिर तो आप वजीरे आला पंजाब रहे हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। अच्छा लो जी फिर कंफर्म है, ये बुजुर्ग जी जो है ना ये है असिस्टेंट कमिश्नर। ना नहीं कहना है इस पे आपने, ना नहीं कहना, आप हो। नहीं बेटा मैं कमिश्नर वगैरह कुछ कुछ नहीं रहा कभी भी, ना जनरल ना वजीरे आला ना कमिश्नर है, कुछ भी नहीं। ओ फिर किसके भरोसे आपके खिडौने ने मेरे खिडौने को गोली मारी है? वो जान के नहीं मारी थी, इत्तेफाक से। इत्तेफाक से? ओ हमारी तो नहीं। और रोक दो तू, बुजुर्ग आदमी है। सारा मोमेंट ही तोड़ दिया मेरा तुमने। छोड़ो, ये बताओ कि ये जो आपका पोता है ये क्या कहता है आपको? वो मुझे दादू कहता है बेटा। दादू? दादू अच्छा है, दादू बहुत अच्छा है। और आपने बेटा कह दिया मुझे हैं? वो मुझे ही बेटा कह दिया आपने? लो भाई सुन लो सारे कान खोल के, रिश्तेदारी हो गई है अब, दादू को कोई कुछ नहीं कहेगा, दादू है हमारे ये अब। बिल्कुल कोई कुछ कहकर दिखाया आपको। लो जी दादू जी अब गल सुनो असली, जब तक आपका ये जो पोता है आपके पास है तब तक आप उसे को बेटा, क्योंकि जिस दिन उसने मेरे हत्थे चढ़ना है ना मैंने मारनी है उसे दो गोली, फिर उसके बाद आपने अपने मरने तक मुझे बेटा कहना। नहीं 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 बेटा नहीं, लेट हो गया, भूख भी लगी है, आप जाके रेस्ट करो, हम भी जाएं। ठीक हो गया, चलो। ए दादू मिल गए भाई जी शायद। चलो बेटा उसे माफ कर दो, बेटा माफ कर दो उसे। मेरे खिलौने ना करिए, नहीं पीना नहीं ये सब ना भी, पर जो तू सोच रहा है ना वो सोच कर अपने भाई को शर्मिंदा ना कर। वादा कर दो आज रात को तुझे उसके चिकन का सूप बना के बुलाऊंगा मैं। रात के सूप का इंतजार रहेगा भाई, चिकन साड़ के बनाना, कौड़ा होना चाहिए, मजा नहीं आएगा। भाई कौन है? बख्तावर शाह, वालद सुबान शाह, मेरा खिडौना, मेरा छोटा भरा, उसके लिए आपसे रिश्ते की बात करने आया। ओहो मांझे, इधर रिश्तेदारी हो रही है, तूने कानी तान दी, सॉरी बोलो अंकल को। सॉरी अंकल। ऐसे बदतमीज लोग हैं, किसी पे भी गोली चला देते। रिलैक्स, ओके आए जी बैठ के बात कर। कौन लोग हैं ये? तुम अंदर जाओ। पैन मैं तो कहना बह के गल कर लेने, आओ आइए।
लोग हैं ये, इनको रोकते क्यों नहीं और 15 पे कॉल क्यों नहीं करते? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकती? अब प्लीज आइए आप। ना मुझे बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं लग रही है। वैसे ठीक कह रही हैं आंटी जी, आप ना 15 पे कॉल करें, देर ना करें। ओए चुप करो, देर ना करें, कॉल करें। ये ना हो कि उनकी कोई कार्रवाई रह जाए। और आंटी जी देर हो गई ना तो फिर बड़ी देर हो जानी है। ओए बस हो गया, कौन है बाबा, क्यों खड़े हैं यहाँ पे, चलो निकलो यहाँ से। क्या बात क्या कर रहे हो आप इनसे? शाइस्ता तुम परी को लेके इसके कमरे में जाओ। आप इन गुंडों को यहाँ से क्यों नहीं निकालते? ओ माय गॉड, गुंडे? ओ जी अपने नाम का ही लिहाज कर लें थोड़ा सा। आपकी बेगम ना आपके कंट्रोल में नहीं है। शाइस्ता जी शाइस्तगी से गुफ्तगू करें, वरना बख्तावर ने पुल जाना है कि कोई रिश्तेदारी होने वाली है। ओए जितनी बकवास करनी थी ना कर ली, निकलो यहां से। अरे निकलो इस घर से। तो ओ खुलिए बस। इसे लेके अंदर जाओ। चलो चलो परी, चलो चलो। आप आइए अंदर। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी जितनी बड़ी सजा मिली है उसे। छोटी गलती नहीं थी उसकी। क्या कहना चाह रहे हो कि गलती मेरे भाई की थी? ओ गल सुनो, गलती जो है ना वो तेरी तीरानी की थी। मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं है तो फिर क्यों मेरे खिडौने की ही सालगिरह मनाने गई? वो घर सजाया, केक पे मोमबत्ती लगा के वो भी जलाई, केक काटा खाया, उठा के नहीं लेके गया था मेरा सजावल उसको, उसकी गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठ के गई है उसके साथ। बस से ज्यादा बस बस बहुत हो गई है बक बक बक। अब जो कहा है ना तुझे वो कर तू, कल रात तक का टाइम है। रात को एकाकी तारीख लेने आऊंगा मैं। और ये देखिए बख्तावर शाह हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, जो मेरे बाप को धमका रहे, मुझे किडनैप करना चाह रहे दो गुंडों के साथ। एक ही बकवास चल रही है। बकवास नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है बख्तावर शाह, तुम्हारा असल चेहरा देख रही है। हाँ जी परी के व्यूवरों, और समझाओ इस लड़की को जरा और इसके बाप को भी। मैंने एक फैसला रखा है कि कल रात को निकाह की तारीख लेने आऊंगा। अगर इनका फैसला वो ना हुआ जो मेरा है तो उसके बाद इनकी कल की रात नहीं मुकनी। ठीक है चलो। है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है मुश्ताक कि इस तरह से बख्तावर शाह का रास्ता रोके। महज इत्तफाक समझ के छोड़ रहा हूं तुझे। ये महज इत्तफाक नहीं है शाह जी, शुक्र करें हमारे बीच चौराहे किसी जगह आमना सामना नहीं हुआ, उधर भी मुझे आपको ऐसे ही रोकना पड़ता। ज़ैना, ज़ैना, आप बात समझे शाह जी, हौसला रखे, ठंडे हो तो। शाह जी क्या हुआ? समझाओ बड़े मुश्ताक भरा को। ओ गड्डी पे झंडा क्या लगा है? मुश्ताक शाह का तो दिमाग ही पता नहीं कहां चला गया है।
वो मुझे रोक रहा है जाने से। तो क्या हुआ शाहजी, रुक जाते ना। शाहजी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शिकार दबे पांव किया जाता है और आपने तो पैरों पे घुंघरू बांध लिए। चलेंगे तो शोर आएगा, आपका रुकना ही ज्यादा जरूरी है। क्या बकवास कर रहा है तू? शाहजी ये बकवास नहीं, ये देखे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साकिब नजीब, आप देख रहे हैं ग्रीन न्यूज। नाज़रीन एक ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चलेंगे, जहां सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। नीलोफर जो कि एक थिएटर की मशहूर आर्टिस्ट है, उनके घर में बख्तावर नामी जमींदार घुस आया है और घुसकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली को भी हरासा कर रहा है। हमारे ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अब तक कोई भी इकदाम नहीं उठाया। आइए आपको उस वीडियो को दिखाते हैं। और ये देखिए, बख्तावर शाह हमारे घर में जबरदस्ती घुस गए, जो मेरे बाप को धमका रहे, मुझे किडनैप करना चाह रहे दो गुंडों के साथ। एक ही बकवास चल रही है। बकवास नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है बख्तावर शाह, तुम्हारा असल चेहरा देख रही है। हाँ जी, परी के विवरों को समझा इस लड़की को जरा, और इसके बाप को भी। मैंने एक फैसला रखा है कि कल रात को निकाह की तरीक रहे होंगे। अगर इनका फैसला वो ना हुआ जो मेरा है, रात नहीं पकड़ी, ठीक है? पूरे शहर में आपके चर्चे चल रहे हैं। बख्तावर शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। फर्क मुझे पड़ता है। इस झंडे की वजह से हमें 2-3 घंटे मिले। अब मेरी बात समझे, आपका रुकना ही मुनासिब होगा। और गल सुन मेरी, गीदड़ अगर शेर को ललकारने लगे ना तो क्यामत आ जानी है। शेर है बख्तावर शाह, शेर। गीदड़ों लगड़ बग्गों की धमकियों से नहीं डरता वो, और अगर डर गया ना तो शेर को शेर कौन कहेगा? शाहजी ये आपका जंगल नहीं है, ये शहर है, और शहर के लोग शेर को या चिड़ियाघर में या जंगल में देखना पसंद करते हैं। तेरी जिंदगी बहुत अजीज है बेटा, भाई की बात मान जा। तुझे खतरा ना होता तो ऐसे थोड़ी रोकता वो। शाहजी मैंने उनको अपनी तरफ बुला के माफी तलाफी की बात कर ली, और अगर आप चाहे तो मीटिंग 1-to-1 भी हो सकती है। तेरे दादू से मिला था मैं, वादा कर लिया तेरे दादे से, पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तेरी बारी, तुझे मारूंगा, फिर तेरी मशूक की शादी अपने खटोने से कराऊंगा, और उस शादी पे तेरे दादे को बुला के वहां उसे अपने हाथों से मारूंगा। बड़ी सियासत खेली ना तूने मुश्ताक। क्या हुआ बख्तावर भाई? पर सियासत खेल के बख्तावर शाह को मौत के जाल में फंसाना चाहता था तू। देख अब आज यही मौत तेरे सामने खलोती है। घबराई चाचे का पुत्र है तू मेरा, तड़पा तड़पा के नहीं मारूंगा तुझे, सीधा तेरे सिर च गोली मारूंगा। जरीना, जरीना समझाओ इन्हें, बख्तावर भाई आपको कोई गलत फहमी हुई। कोई गलत फहमी नहीं है जरीना, बीच में ना आ तू। पागल हो गई है तू, ये क्या कर रही है जरीना? वादा पूरा करने दे मुझे अपना, मैंने अपने खिडौने से वादा किया है, मारने दे इसे, मारने दे, बचेगा तू भी नहीं। और जियो जरीना,
होश कर दिया आज तूने बख्तावर शाह को। ओए आज लगी है तू बख्तावर शाह की बीवी, दिल खुश कर दिया तूने। शेर नहीं लगी है तू, जो बोल तेरे लिए हाजिर, गले लाके मेरे। मुबारक हो शाहजी, तुम फिर से बाप बनने वाले। ये बच्चा तो शेर या लगड़ बग्गा नहीं बल्कि इंसान बने। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।